हरिद्वार कुंभ मेला में आज तीजु अने छेल्लू शाही स्नान है त्यारे मोड़ी मोटी मात्रा में जनमेदनी उमटी हती। अखाड़ानी संतो अने लाखों श्रद्धाळुए गंगा में डुबकी लीधी हती, जेमा कोरोनाना नियमों सोशल डिस्टन्स मास्क जेवा अनेक कायदाओनो भंग जोवा मळी रह्यो हतो। पोलीस वहीवट द्वारा पण विशाळ जनमेदनी जोईने लाउडस्पीकर पर कोरोनाना नियमोनुं पालन करवानी अपील करी रह्या हता, परंतु भक्तिमां डूबेली भीड़ने कोरोनानी कोई ज पड़ी न होय तेवा दृश्यो सामे आव्या हता। तीसरा मुख्य शाही स्नान पर्व है, हमारे साथ मिलाए जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर आज क्या व्यवस्था है आज मुख्य शाही स्नान पर। तरमेंद जी, जैसे आपने देखा होगा कि लोगों में उत्साह तो बहुत है, अखाड़े पूरी तरह से भरे हैं, उनके साधु महात्मा महामंडलेश्वर श्री महंत बहन और जो उनके फॉलोअर्स है वो अभी अखाड़ों में अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं। अभी जैसे निरंजनी चलने वाला है और जो 12 तारीख को जो अखाड़ों का क्रम था वही क्रम रहेगा, लेकिन जो बैरागी अखाड़े हैं जिसमें कि तीन हमारे निर्मोही निर्वाणी और दिगंबर है, इन तीनों का क्रम चेंज हो जाएगा। जो पहले थर्ड में था वो फर्स्ट में आ जाएगा, जो फर्स्ट में है वो थर्ड में रहेगा। और जो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से घाटों में यद्यपि थोड़ा मुश्किल तो रहता है, लेकिन हमने कुछ अन्य घाटों को भी पब्लिक के लिए ओपन कर रखा है और अगले एक घंटे के अंदर ये सारे जो घाट है जो हर की पैड़ी है इसके आसपास के घाट ये पूरी तरह से खाली हो जाएंगे और सिर्फ अखाड़ों के द्वारा लगातार स्नान किया जाएगा। और लोगों में क्योंकि काफ़ी आकर्षण है अखाड़ों को लेकर, तो हम लोगों ने जो हाईवे में भी पब्लिक के लिए अखाड़ों के दर्शन के लिए और उनके मूवमेंट को देखने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जिसमें कि अलग से रूट्स पब्लिक के लिए देखने के लिए दिया गया है। सर सुबह देर रात से ही यहाँ पर स्नान चल रहा है, अभी तक आंकड़ा कितना है, कितने श्रद्धालु स्नान? देखिए, इस बार क्योंकि संक्रमण की जो दर है और खासकर जो जितने भी हमारे मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, जिस तरह से पूरे देश में संक्रमण की दर को काफ़ी हाईलाइट करते हुए उसके जो फैक्ट्स को दिखाया गया, डेटा को दिखाया गया, तो उस बेसिस पे कई कैंसिल भी हुए हैं। तो ये जो स्नान है ये पूरे कुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता था, लेकिन संक्रमण की दर की वजह से इस स्नान में जो लोग टर्न अप हुए हैं वो उस हिसाब से नहीं है। 2010 में जहां 1,60,00,000 लोग सिर्फ इस स्नान में वैसाखी के स्नान में आए थे शाही स्नान में, अभी इस बार मुश्किल से सुबह के समय अगर देखा जाए अभी तक मुश्किल से 5,00,000 के आसपास संख्या जो है जिन्होंने स्नान पे अभी डिप लिया है। सर कोविड की गाइडलाइन पालन कराना कितनी बड़ी चुनौती बनी? कोविड के गाइडलाइंस को विशेषकर अधिक भीड़ में पालन कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अगर चालान के लिए बैठेंगे तो अगर एक भी व्यक्ति रुक जाता है तो क्राउड मैनेजमेंट का सिद्धांत है कि अगर भीड़ है और एक व्यक्ति को भी रोकते हैं तो उससे स्टैम्पिड होने की काफ़ी बड़ी संभावना रहती है, आशंका रहती है। तो उस लिहाज से थोड़ा भीड़ में मुश्किल रहता है, लेकिन घाटों में भी जैसे मास्क का प्रयोग कराना मुश्किल रहता है, बट आप देख सकते हैं कि घाटों में लोगों ने मास्क पहना हुआ है, उन्हें लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं और कोविड गाइडलाइंस के पालन कराने के लिए कोशिश पूरी कर रहे हैं। धन्यवाद आजी साहब, हमारे साथ मौजूद थे मेला आईजी संजय गुंजाल, उन्होंने बताया अभी करीब 5,00,000 श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके हैं, आज मुख्य पर्व है, स्नान क्रम अभी चल रहा है, हालांकि कोविड की गाइडलाइन का पालन कराने की बात करें तो इतनी भीड़ में वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती मेला प्रशासन के लिए बना हुआ है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। मेले का आज तीसरा और मुख्य शाही स्नान पर्व है, इस समय हम मौजूद हैं हर की पैड़ी क्षेत्र पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पर्व पर, इस मौके पर यहां पर स्नान करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचे हुए हैं और यहां पर गंगा स्नान कर रहे हैं। आज का जो योग है ये 12 साल के बाद बना है, सूर्य मेष राशि में पहुँच गए हैं और गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में पहुँच गए हैं। ये जो योग बनता है ये 12 साल बाद बनता है, तब ये योग बनता है, तभी हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो आज जो ये अमृत योग बना है, तो ये गंगा की धारा है, ये एक अमृत की धारा बन गई है, अमृत योग है। यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं इसमें डुबकी लगाने के लिए, इस अमृत योग में डुबकी लगाने के लिए, पुण्य का भागीदार बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि विशेषता ये है कि कोविड के साय में इस बार ये कुंभ मेला आयोजन हो रहा है और दावे किए जा रहे हैं कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, श्रद्धालु इतने ज़्यादा हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो होता कम दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, हालाँकि सुबह 7-8 बजे तक ही यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं, उसके बाद पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र को खाली करा लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 13 अखाड़े शाम तक अपने क्रमवार स्नान करेंगे। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार।